ज्ञान दी नगरी चैनल विच स्वागत है सब दोस्तों का। आओ दोस्तों अज एक फिर नवी ज्ञान की गल आप जी दे नाल सांझी करिए कि गुरु की भाल की है, गुरु की काम करदा, गुरु नूं असीं कित्थे लभ सकदे आ। ये गल्लां सानूं नहीं पता लगदियां, ना सानूं कोई दसदा, पर अज दा जो वाकया जो किस्सा आप जी दे नाल सांझा करांगा इस नूं सुनने तो बाद आप जी दे कई मसले हल हो जाणगे। तो वीडियो नूं पूरा जरूर सुनना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, तो चंगा लगे तो अपने सज्जन मित्रां दे नाल सांझा भी जरूर करना। हुण गल आपां करदे आ, कहिंदे कि एक व्यक्ति जो कि गुरु दी भाल दे विच काफी सालां तों सी ते घर दे बाहर निकलिया, एक बाबा दरख्त दे थल्ले बैठा ते जाके उस व्यक्ति ने पुछया कि बाबा मैं गुरु नूं मिलना चाहुंदा, गुरु पूर्ण होवे जिहड़ा मेरे मन की प्यास नूं बुझा देवे, जिस दे दसे हुए शब्द नूं मैं रटां ते मेरे मन दियां तरंगां शांत हो जाण, ऐसा गुरु जिहड़ा मैनूं अंदरों खजाना देवे रूहानियत दा, उहदी भाल दे विच मैं भटकदा फिरदा, मैनूं कोई रस्ता दिओ। हुण बाबा जो बैठा सी वो कहण लगा कि इस तरह आसन ला के, इस तरह के कपड़े पा के, एक दरख्त के थले कोई फकीर तेनू मिलेगा जिहड़ा तेनू इशारे करता होगा, उसनू जाके पुछ लई, पैरी हाथ ला के, वह तेरा मुर्शद होगा, तेरा गुरु होगा, तो उह ही तेनू सारे तेरे सवालों के जवाब देगा। तो उस व्यक्ति ने बाबे की गल मनी तो अपने मुर्शद की भाल दे विच उत्थों तुर पिया। जंगलों के गया, शहरों के गया, कस्बे के गया, तो कई फकीर मिलया, पर जिहड़े फकीर मिलता देखता जो बाबे ने कहा सी कि इस तरह आसन ला के, इस तरह के कपड़े पा के, इस तरह के इशारे करता होगा, वो शर्तां नहीं सी पूरियां होंदियां। ते फिर अगले किसी फकीर कोल जांदा, उस तो बाद अगले किसी फकीर कोल जांदा, इस तरह करदे करदे नूं 30 साल लंघ गए। हुण 30 साल लंघ गए ते भटकदा दर बदर फिरदा घर नूं मुड़ आया। जद घर नूं मुड़ के आया ते देखदा कि ओह फकीर बाबा दरख्त थले बैठा उस आसन दे विच, जिहड़ा आसन दस्या सी उस तरह के कपड़े जिहड़े दसे सी उस तरह इशारे करता सी जो दस्या सी। ते जदों उस व्यक्ति ने देखा कहिंदा वी इह वी बाबा उह इशारे करता उस तरह बैठा उस आसन दे विच उस कपड़िया दे विच, इह मेरा गुरु आ, नठ के जाके पैरी हाथ लाउंदा ते दुआ बेनती करता कि बाबा तू ही मेरा गुरु है। तो बाबा कहन लगा भी अच्छा लागे समझ के मैं तेरा गुरु हाँ। कहिंदा हाँ। कहिंदा बाबा भी 30 साल पहला तू जो मैं समझाया सी उदों क्यों नहीं दस्या कि मैं तेरा गुरु हाँ। मैं 30 साल जंगलों के विच कदी किते कदी किते लभदा फिरदा आया, मैनू किते नहीं मिलिया, तो जब देखिया तो तू ही उस आसन दे विच हाँ। तो बाबा हस पिया कहन लगा कहिंदा मैं तेनों उस दिन समझा रहा सीगा कि एक दरख्त थले आसन ला के इदां दे कपड़े पा के एक फकीर बैठा, पर तेरी निगाह मेरे ते गई नहीं, क्योंकि असीं की करदे आ कि जिहड़ी कोल है ना चीज़ उहदी कदर नहीं करदे, दूर लभण जांदे आ। कहिंदे तू मेरे ते ध्यान ही नहीं मारिया, इसलिए तेनू ये 30 साल का दर बदर भटकना पैना सी, भटकियां फिरियां ते हुण मुड़िया, हुण मुड़िया आ ते हुण तू मेरे लड़ लग गया, हुण मैं तेनू रूहानियत दा रस देवांगा जो तू चाहुंदा सी, जे 30 साल पहलां दे दिंदा तां इहदी कदर ना सी करनी। तो इस तरह असीं भी कई वारी करदे आ कि कोई कामल फकीर कई वारी साडे कोले हुंदा, असीं उत्ते यकीन नहीं करदे, असीं दूर लभण चल जांदे आ, असीं उह लभदे लभदे जिहड़ा कोल हुंदा उहनूं भी गवा बैंदे आ। ते उह बाबा कहिंदा मैं तेरे तों बिना जाण तों बाद अपने प्राण भी त्याग सकता सी, पर तेरे नाल वादा कीता सी कि तेरा गुरु मिलाऊंगा, इसलिए मैं अपने प्राण नहीं त्यागे,
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ।